हाँ जी जैसे कोई किचन में जाए आग लेने के लिए कि अपने चूल्हे की आग हमको दे दो, गया था मांगने के लिए और वहाँ किचन मास्टर बन के बैठ गया, तो गया था भिकमंगा बन के और बैठ गया मालिक बन के। तो ऐसे ही तुम जाओ शिवालय में, उन भक्तों को जाके पूछो कि तुम शिव के ऊपर पानी क्यों चढ़ाते हो, और पानी भी कैसा, एक लोटा दूध में चुल्लू भर दूध और बाकी सारा पानी, तो वो तो बता ही नहीं सकेंगे। तुम उनको बताओ कि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो जो अधूरे ज्ञानी हैं, ज्ञान को पूरा समझते नहीं है, वो क्या करते हैं, जो बुद्धि रूपी लोटी पानी से भरी हुई है उसमें थोड़ा सा ज्ञान जल डाला हुआ है, बाकी सारा ही पानी है। ऐसे पानी से भरी हुई बुद्धि रूपी लोटी को, लोटा नहीं क्या, लोटी माने कन्याओं को अर्पण करते हैं, उसकी यादगार में तुम आज भी क्या करते हो, आज भी तुम जड़ लोटी चढ़ाते हो क्या, उसमें असली ज्ञान जल बहुत थोड़ा होता है और बाकी सब पानी ही पानी होता है। दूध के बिलोने से मक्खन निकलता है और पानी के बिलोने से कुछ भी नहीं निकलेगा। अच्छा चलो शंकर की बात छोड़ दो, शंकर की बात बाद में उठाएंगे, कोई भी मनुष्य को उठाओ, पहले पहले हर मनुष्य को अपनी आत्मा से प्यार होता है, अपन से प्यार होता है, फिर किससे प्यार होता है, नेक्स्ट टू आत्मा, फिर किससे प्यार होता है, अपनी देह से प्यार होता है, पहले अपन से प्यार फिर अपनी देह से प्यार होता है। तो ऐसे ही शिव आत्मा है और शिव जिसमें प्रवेश करता है वो देह है और देह उसकी अपनी नहीं है क्या, अपनी देह है क्या, अपनी नहीं है फिर भी उसको अपना लेता है क्या, उसको अपना लेता है या किराया देके अलग कर देता है, अपना लेता है, आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर बना के रखता है। तो जिसका तन है वो तनधारी अपना तन उसे एवरलास्टिंग हमेशा के लिए अर्पण कर देता है, या ये समझता है कि मैं किराया लेके अलग हो जाऊंगा, दलाली लेके अलग हो जाऊंगा, एवरलास्टिंग देता है ना। तो जिस तन में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है उस तन में याद नहीं कर सकता है,
कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो हर एक को अपनी देह से प्यार होता है और वो प्यार तब और ज्यादा बढ़ जाता है जबकि भगवान के कार्य में लग जाए, ईश्वरीय सेवा में लग जाए। गायन भी है, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। अरबपति आप व्यक्ति अपना सारी जिंदगी का कमाया हुआ अरबों रुपया किसी कारखाने में लगा दे और विदेश में चला जाए तो उसका मन कहां जाएगा? कारखाने में जाएगा ना। तो शंकर अपने ही तन के द्वारा उस तन में प्रवेश किए हुए निराकार बाप को याद नहीं कर सकता है? कर सकता है, बल्कि दूसरे को याद करना मुश्किल होता है और अपने में याद करना तो सहज होता है। वो ही बिंदु अपनी आत्मा के रूप में भृकुटी में याद करना सहज है या दूसरे स्थान पर दूसरे व्यक्ति में याद करना सहज है? अपने में याद करना, आत्मा को याद करना बहुत सहज है। इसलिए कहते हैं पहले अपन को क्या समझो? आत्मा समझो। तो शंकर को याद करना सहज है या और आत्माओं को याद करना सहज है? शंकर को याद करना तो और भी सहज है। कहते हैं राम वाले व्यक्तित्व अनित्य रूपी मृत्यु नहीं होती है, अनित्य रूपी मृत्यु नहीं होता है राम वाले व्यक्तित्व, अरे उनको अमरनाथ कहते हैं, माना उनको नित्य जिंदगी पर है या वो किसी ऊपर किसी के ऊपर है, किसी के ऊपर नित्य और अनित्य होने की बात जिसको अपने पार्ट पर निश्चय हो जाए वो अपनी आत्मा के ऊपर निश्चय हो जाना, ये बाप के बिगड़ हो सकता है क्या है? बच्चा जब तक ये न पहचाने कि मैं किसका बच्चा हूं, किस कुल का हूं, तो उसको अपना आत्माभिमान, अपने कुल का अभिमान पैदा होगा तो अभिमान जागेगा है? मिसाल दिया जाता है, एक राजा का बच्चा कोई कारण या कारण जंगल में खो गया और भेड़ियों के बीच में रहने लगा बचपन से ही, और बड़ा हो गया तब तक वो अपने को क्या समझता रहा? भेड़िया हूं, भेड़ियों जैसी चलन बन गई, भेड़ियों जैसा शरीर बन गया। लेकिन जब उसको पता चला कि मैं तो अमुक बाप का बच्चा हूं, राजा का बच्चा हूं, तो बात बदल गई। ऐसे ही है, द्वापर युग से हम भेड़ियों के संग में आते आते जानवर बन गए, बांध जानवरों से भी बदतर बन गए। अभी बाप ने हमको परिचय दिया, तो परिचय पाने वालों में जिस मुकर्रर रथ में बाप प्रवेश करते हैं सबसे नजदीक कौन है? सुप्रीम सोल बाप के नजदीक कौन है? जिस तन में प्रवेश करते हैं वो सबसे जास्ती नजदीक। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके मुरली चलाता हूं, तो पहले किसके कान सुनते हैं?
ब्रह्मा के कान सुनते हैं, परंतु ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि तो सुनती तो है लेकिन समझती नहीं। और राम की आत्मा तो राम बाप कहा जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसमें प्रवेश करते हैं तो वो सिर्फ सुनता ही नहीं है, नजदीक होकर समझता भी है, सच्चाई को देखता भी है। तो नजदीक होने के कारण उस स्वरूप में भी जल्दी टिक जाता है, अपने कुल की अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती है। और बाबा पैटर्न कैसे कर पाता हूँ, वो अपनी आत्मा कोई व्यक्ति में भूत प्रवेश करता है, जब भूत प्रवेश करता है तो उसकी चलन में फर्क आता है नहीं, वो समझता भी है मेरे अंदर कोई आत्मा प्रवेश है, और प्रवेश की हुई आत्मा उसकी बुद्धि को भी घुमाती है, वो अनुभव करता है कि किसी ने हमारी बुद्धि को घुमाया, और बार बार प्रवेश करता है, बार बार बुद्धि को घुमाता है, तो जो उसका मानसिक वातावरण है, वाइब्रेशन है, वो बदल जाता है या नहीं? थोड़े समय में वो वातावरण भी उसका बदलता है, वाइब्रेशन भी बदलता है, और यहाँ तो भूत नहीं प्रवेश करता, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में प्रवेश करने वाला कौन है? स्वयं भगवान बाप प्रवेश करता है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो भी नहीं जानता कि कौन प्रवेश करता है कि नहीं प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि बताई दिया है, मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते हैं, तो सन 76 से पहले ज्ञान सुनाते हैं, बेसिक नॉलेज में आने मात्र से ही राम वाली आत्मा ज्ञान सुनाती है या बाद में सुनाती है? ब्रह्मा के तन में भी, दादा लेखराज के तन में भी सन 36 से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया था या सन 47 से पता चला कि इनमें बाप भगवान है? 47 से पता चला। इसी तरह ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों के इस कांटों के जंगल में ब्रह्मा के बाद ऐसे नहीं कि कोई दूसरा होता नहीं है, होता तो है परंतु प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वाणी चलती नहीं है, अव्यक्त पार्ट रहता है, और वो अव्यक्त कब से प्रत्यक्ष होता है? जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है। तो कैसे पता चलता है इनमें बाप का भगवान है? जब एडवांस ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है, सब स्वीकार करते हैं कि ऐसा ज्ञान तो और कोई ब्राह्मणों में सुनाई ही नहीं सकता, ये तो भगवान बाप स्वयं आकर के क्लेरिफिकेशन दे रहा है टीचर के रूप में, तो औरों को पता चलेगा? जिसमें प्रवेश करता है उसको पता नहीं चलेगा? उसको तो और पहले पता चल जाएगा, निश्चय होता ही है बाप के ऊपर, निश्चय होता ही है अपनी आत्मा के ऊपर, और निश्चय होता ही है ड्रामा के ऊपर। कितनी बातों के ऊपर निश्चय है? आत्मा के ऊपर निश्चय, आत्मा के बाप के ऊपर निश्चय, और अपने पार्ट, और आत्मा जिस ड्रामा में पार्ट बजाती है उस ड्रामा के ऊपर पक्का निश्चय पैदा हो जाए, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि
विजय थे। पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा की आत्मा को माना, ब्रह्मा और कृष्ण बच्चे की आत्मा को, राम की आत्मा के साथ जिसे राम बाप कहा जाता है उससे टैली किया जा सकता है। और टैली करे तो 100% वास्त अंतर दिखाई पड़ेगा या साम्यता दिखाई पड़ेगी। अंतर दिखाई पड़ेगा, क्या अंतर दिखाई पड़ेगा? जो बाप ने बोला है कि ये जो साधु सन्यासी गुरु होते हैं वो अपन को ही भगवान समझ के बैठ जाते हैं, वो ज्ञानी हुए या अज्ञानी है? अज्ञानी, क्योंकि बाप ने कहा है जो अपन को भगवान कहते हैं वो बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप है। तो ब्रह्मा की आत्मा क्या समझ के बैठ गई कि भगवान का साकार रूप इस सृष्टि पर अगर कोई है गीता का भगवान तो वो कौन है? ब्रह्मा की आत्मा यही समझती है कि मैं गीता का भगवान शिवो अहम हूं। वो खुलेआम कहते भी थे कि मेरे अंदर भगवान आता है। मैं भगवान के रथ को स्नान कराता हूं, लेकिन जो ज्ञानी आत्मा होगी, बाप ज्ञान का सागर है तो बाप का बच्चा भी मास्टर ज्ञान सागर होना चाहिए। जब बाप अपने को गुप्त करके संसार में आता है तो बाप को फॉलो करने वाला अव्वल नंबर बच्चा वो अपने को गुप्त रखेगा या प्रत्यक्ष करेगा? गुप्त रखेगा। तुम्हारा ज्ञान मान पद पुरुषार्थ दान सब कुछ गुप्त। तो राम वाली आत्मा जिसमें भगवान बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं भगवान बाप हूं या मेरा शंकर का पार्ट है या मेरा प्रजापिता का पार्ट है या मैं संगमयुगी कृष्ण हूं, मेरा नारायण का पार्ट है, मैं शिव हूं। जब स्वप्न में भी नहीं आ सकता तो स्वप्न मात्र सो संकल्प मात्र भी नहीं आ सकता। पहले संकल्प में आता है, फिर वाचा में आता है, फिर प्रैक्टिकल में भी जरूर आवेगा। कहते हैं भगवान इस सृष्टि की माता भी है, इस सृष्टि का पिता भी है। उसको कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो माता के रूप में सहन शक्ति का पार्ट कृष्ण की आत्मा बजाती है या शिव की आत्मा बजाती है? अगर ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा ने सहन शक्ति का पार्ट बजाया होता, सारी शक्ति की बड़े से बड़ी माँ का पार्ट बजाया होता,
तो 63 जन्म में भी बजा लिया होता, 63 जन्म में भी सबका दिल जीत लिया होता, परंतु ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये तो सोचना ही गलत है कि ब्रह्मा के अंदर जो भी पार्ट चला धारणाओं का, वो ब्रह्मा की सोल ने बजाया, नहीं। कौन बजाता है? बाप बजाता है। अभी भी कहते हैं तमो प्रधान आत्मा सेवा करती है या बाप दादा सेवा करते हैं? तो जैसे अभी बात ये लागू होती है, वैसे उस समय भी ये बात लागू होती है कि कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में तमो प्रधान होती है या सतो प्रधान? तमो प्रधान। और अभी भी तमो प्रधान कहे या सतो प्रधान? तमो प्रधान कहे। तो तमो प्रधान आत्मा ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकती। ईश्वरीय सेवा कौन करता है? सतो प्रधान आत्मा ही प्रेरित करती है सेवा करने के लिए। बाकी तमो प्रधान आत्मा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन एक्टिविटी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। और अगर ब्रह्म बाबा धारणा किया तो ये गलत धारणा है, तो फिर धर्मराज पाठ हिंदी में जाएगा ना? पाठ साकार में गाया जाता है या आकार और निराकार में गाया जाता है? पाठ किसे कहते हैं? पाठ सूक्ष्म बतन में चलता है, सूक्ष्म शरीरधारी का पाठ गाया जाता है या साकार शरीरधारी का पाठ गाया जाता है? जगदम्बा में भी प्रवेश करने वाला साकार आत्मा है, आकारी आत्मा है, अव्यक्त पाठधारी है या व्यक्त आत्मा है? व्यक्त आत्मा है, अव्यक्त आत्मा है, उसका अपना शरीर तो है ही नहीं। आत्मा का नाम पड़ता है या शरीर का नाम पड़ता है? नाम किसका होता है? शरीर का नाम होता है। तो जगदम्बा का नाम होता है, ये कोई नहीं कहता कि ब्रह्मा ने महाकाली का पाठ बजाया, क्योंकि ब्रह्मा की तो आत्मा काम करती है, शरीर किसका है? जगदम्बा का। नाम काम के आधार पर पड़ता है और काम सिर्फ आत्मा नहीं करती, आत्मा को क्या चाहिए? शरीर भी चाहिए। और जगदम्बा का इंस्ट्रूमेंट है, ये ज्ञानियों के समझने की बात है और दूसरों को समझाने की बात है। जैसे हम ब्राह्मण अभी तक ये नहीं जानते, जब महिमा करने पे आते हैं तो ब्रह्म ही ब्रह्मा नजर आता है, ये बुद्धि में नहीं आता कि सहन शक्ति का पाठ किसने बजाया, किसने बजाया? ये तो अब जानते ना, बाप भाई कब जाए तो तभी तो पता चला। नहीं, पहले नहीं जानते थे ना, नहीं जानते थे तो अज्ञानी थे ना। तो ऐसे ही ये अज्ञानियों की और ज्ञानियों की समझने और समझाने की भाषा है कि जगदम्बा तो डब्बा है, वास्तव में सहन शक्ति के रूप में पाठ बजाने वाला शरीरधारी कौन है? जगदम्बा है या दादा लेखराज ब्रह्म है? दादा लेखराज ब्रह्म है। और बाबा क्लियर नहीं होता? क्या क्लियर नहीं होता है? अभी तो आप ब्रह्मा के द्वारा सहन शक्ति का पद शिव ने बजाया। वो शिव ने बजाया, लेकिन शिव का अपना अपना शरीर है? अब जिसका शरीर ही नहीं है उसका काम कहा जाएगा? काम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर नाम होता है ना। तो जो नाम पड़ा ब्रह्मा
वो ब्रह्मा नाम शिव का है, शिव का तो नाम एक ही है, क्या मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता ही नहीं, सब बदलता है। तो दादा लेखराज का शरीर बदल गया तो नाम भी बदल गया। और ठीक है, छूट जाएगा और उसका मजा ही नहीं आएगा। उस संबंध के प्यार के लिए तड़पते रहेंगे तो इसमें विरोधाभास आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? कमाल है, जिसे आप प्यार करने की बात, एक को प्यार करने की बात कर रहे हैं, वो देहधारी है, उसकी बुद्धि देह में धरी रहती है या देह से परे रहने वाला है, तो आपने उसको देहधारी कैसे समझ लिया? जिससे आपको संबंध जोड़ना है वो विधेयी है या देहधारी है? विधेयी है ना, जो देहधारी होता है उसका ये स्वभाव संस्कार होता है। देहधारी माने जिसकी बुद्धि देह में धरी रहे, उसका ये स्वभाव संस्कार होता है कि जिस देह से संपर्क संबंध जोड़ेगा उसकी उसे याद आती रहेगी। क्या आंखों से देखेगा तो याद जरूर करेगा उसको, लेकिन वो ऐसा विदेही है, धर्म पिताओं की तरह नहीं है। धर्म पिताएं भी सृष्टि पर आते हैं, निराकार दिखाई पड़ते हैं, चेहरे से कैसे दिखाई पड़ते हैं, निराकारी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पहला जन्म जब उनका पूरा होता है तो अंजाम क्या होता है? देहधारी रहते हैं या विदेही बन के रहते हैं? देहधारी बन जाते हैं। क्यों? देह में लगाव लग गया। और यहाँ क्या है? यहाँ भगवान बाप, बाप के रूप में जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं वो लगाव वाला नहीं है पार्ट, देह में बुद्धि धरी नहीं रहती है। कितनी भी देहधारियों से संपर्क संबंध जोड़े परंतु कैसा पार्ट बजाता है? विदेही पार्ट बजाता है। कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, इसलिए बोला कि बाप आशुक बन करके आता है या मासुक बन के आता है? क्यों? आशिक जो होता है वो दूसरे के ऊपर आसक्त हो जाता है, लगाव पैदा हो जाता है, और मासूक, एक मासूक से अनेकों आशिक हो जाते। तो ये तो ऐसा बेहद का मासूक है जो किसी में खुद नहीं फंसता, लेकिन 500 700 करोड़ की जो भी दुनिया है, चाहे सजा खाने वाले हैं और चाहे सजा न खाने वाले हैं, सांप की बुद्धि उसे एक में इतनी आसक्त हो जाएगी कि सांप उसके पीछे पीछे जावेंगे। कहाँ जावेंगे? घर में जावेंगे। और तो के रूप में मेरे को काई के लिए सजनी रूप में याद करते हैं? है? मैं तो दाढ़ी मूछ वाला हूँ, रोज दाढ़ी बनानी पड़ती है, सजनी को तो दाढ़ी नहीं होती है। मेरी बात नहीं है, आप ये गलत बात बोल रहे हैं। मेरे को सजनी के रूप में कैसे याद करेंगे? शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा जो कहते हैं और शिव बाबा का कहा हुआ जो बच्चे सुनते हैं समझते हैं, वो एक ही तरह का पार्ट बजावेंगे या दोगला पार्ट बजावेंगे? हैं? एक ही तरह का पार्ट बजावेंगे।
तन मन धन अपने पत्नी बाल बच्चे अर्पण कर देंगे तो फिर वापस लेने वाले नहीं है, बेवकूफ बनाने वाले नहीं हो सकते। अगर बेवकूफ बनाते क्या दे करके फिर वापस ले लेते हैं, चांडाल का पाठ बजाते हैं तो भगवान समझते हैं कि ऊपर से कहते हैं भगवान है, ऊपर से कहते हैं भगवान, वास्तव में वो भगवान है नहीं उनकी दृष्टि में। जैसे देवताओं को अमृत बांटा गया, असुरों को भी बांटा गया, पहले किसको बांटा गया, देवताओं को बांटा गया, देवताओं का नंबर लगा तो उसमें कौन घुस के बैठ गया, असुर घुस के बैठ गया। तो असुर अपने को ये दिखाता है कि मैं देवता हूँ या राक्षस हूँ, वो तो यही दिखाएगा मैं देवता हूँ। तो भगवान को भगवान बाप कहेगा, ए शैतान कहेगा, क्या कहेगा, बाप ही कहेगा। लेकिन भगवान तो बड़ा छुपा रुस्तम है, ऐसा छुपा रुस्तम है जिसके लिए कहा जाता है छुपा रुस्तम बाद में खुले, क्या बाद में खुलेगा या कोई अभी प्रत्यक्ष कर सकता है, है? कोई कहे कि हम तो कागज में चित्र छपा देंगे, फोटो छपा देंगे, अभी प्रत्यक्ष कर देंगे तो हो जाएगा, है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने चरित्र से ही भगवान बाप को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। चित्र छपा कर प्रत्यक्ष करना ये तो भक्ति मार्ग में होता है या बहुत द्वापर युग से 63 जन्म से प्रत्यक्ष करते आए भगवान को। भगवान प्रत्यक्ष हुआ क्या, नहीं हुआ। अभी संगम युग में प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या, हम दूसरों को समझाएं और कहें आप भगवान है, आप हमें जवाब दो भगवान है कि नहीं, तो भगवान मान लेगा? अरे वो तो गुरु लोग होते हैं, जो उनसे कहो भगवान महाराज तो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ हम भगवान हैं, महाराज हैं। और तो बाबा, हाँ, जितने जन्मों में आपका सगनी रूप होता कि नहीं, 63 जन्मों में आपका क्या, और सभी का आधे जन्म में स्त्री का आधे जन्म में पुरुष का रूप होता है, हर आत्मा एक जन्म स्त्री का और एक जन्म पुरुष का लेती है। मामा, बोलो। सगनी के रूप में याद करना नहीं याद करना है, याद करना किसको, बाबा शिव बाबा को याद करो, नहीं निराधार को याद करेंगे, शिव बाबा को सजनी के रूप में याद करो चाहे साधन के रूप में याद करो, वो तो बोल दिया व्यक्तवाणी में, ये तुमको ऐसा खिलौना मिला है उसको जिस रूप में चाहो उस रूप में उससे तुम खेल सकते हो, लेकिन दे अभिमान नहीं आना चाहिए। क्या अपन को क्या समझो, आत्मा समझो, ये नहीं मैं तो पुरुष हूँ। पुरुष पने का भान आया और फिर कहे ये हमारी सजनी है, ये नहीं हो सकता। और सजनी के रूप में याद करा तो सजनी का पाठ मिलेगा ना, सजनी के रूप में याद किया तो बाबा को उसका सजनी का जन्म हो जाएगा, जैसे कि आंध्र माला की पुरुष का। सुनो सुनो सुनो, जब ये बोलते हैं तो ये सोचना चाहिए कि हम भगवान बाप को सजनी के रूप में याद करते हैं, तो जो सजनी के रूप में याद करने वाला है वो सब सजनियों की लिस्ट में आता है, सब सीताओं की लिस्ट में आता है, तुम सब सीताएं हो या राम बाप की लिस्ट में आ गया, वो हम वो भाई के रूप पर मत डालो, अभी पूछ रहे हो तुम। मैंने तो ये कहा सजनी के रूप में याद करो, सजनी के लिस्ट में जाएगा। हाँ जी,
बाप कहते हैं मैं हूँ साजन एक और तुम सब सजनिया हो, मैं हूँ एक राम बाप और तुम सब सीताएं हो, तो ये बात कहना कि हम राम बाप हैं और भगवान को इंट्रोड्यूस करना तू सजनी बन के दिखा, इसका मतलब शिवो हम के माँ शिवो हम बन करके बैठा हुआ है। इतने दिनों में साकर बाबा का शेड्यूल का ग्रुप मिलता नहीं मिलता है, संदीप कर दे सबके लिए बकरियाँ है तीसरे जन्म में क्या आपका रूम शेड्यूल का मिलता है नहीं मिलता नहीं मिलता मिलेगा ना। अरे तुम जिसको भगवान कहते हो वो शिव को भगवान कहते हो या ब्रह्मा और प्रजापिता को भगवान कहते हो? वो साकार में निराकार को भगवान कहते हैं। एक आत्मा की ऊपर दृष्टि है या दो आत्माओं की ऊपर दृष्टि है या दोनों में जो ऊंचे से ऊंचे है उसके ऊपर दृष्टि है? इंट्रोड्यूस किसको कर रहे हैं? शिव को करना चाहिए, लेकिन जिस तरह का ये प्रश्न है उससे क्या साबित होता है? शिव को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या बुद्धि में साकार बसा हुआ है? स्त्री और पुरुष चोले का जन्म लेने वाली बात साकार के लिए लागू होती है या जो एवर प्योर निराकार है उसके लिए लागू होती है? ब्रह्मा कुमारियों ने भी यही गलती की। क्या गलती की? दादा लेखराज ब्रह्मा को ही सब कुछ समझ लिया, माँ बाप समझ लिया। नहीं, जब गोद में जाते थे तो किसकी गोद में जाने की मस्ती लेते थे? ब्रह्मा की गोद में जाने की। ब्रह्मा से बातें करते हैं, ब्रह्मा ही भगवान है। बुद्धि में से ये उड़ गया कि ये ज्ञान सुनाने वाला शिव है, ये ब्रह्मा ज्ञान सुनाने वाला नहीं है। ये गलती यहाँ भी होती है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे, ऐसे ही प्रश्न करते हैं। ऐसे बातें करके कंफ्यूज करते बाबा, सही जवाब नहीं मिला। सही जवाब नहीं मिलता है ना बाबा। संबंध जो है वो शिव के साथ जोड़ने हैं, आत्मा शिव के साथ संबंध जोड़ने हैं, ये समझ करके संबंध जोड़ने हैं कि हम शिव एवर प्योर के साथ संबंध जोड़ रहे हैं या जो एवर इम्प्योर है वो बुद्धि में रहना चाहिए? कौन बुद्धि में रहना चाहिए? एवर प्योर शिव बुद्धि में रहना चाहिए। जिसकी बुद्धि में एवर प्योर शिव होगा वो ये प्रश्न कर ही नहीं सकता कि आपके स्त्री जन्म होते हैं कि नहीं, वो अजन्मा है या जन्मन के चक्र में आने वाला है? वो तो अजन्मा है। जब हमारा लेट पेमेंट का जन्म होता है आपका भी होता है बाबा? फिर वही आपका पता नहीं किससे बात करते, राम के बात करते। अरे भाई हमें बातें करनी है, हमें मिलना है जुलना है, दृष्टि लेनी है, हमें जो वर्षा लेना है वो शिव बाबा से वर्षा लेना है या प्रजापिता से वर्षा लेना है, शंकर से वर्षा लेना है या शिव बाबा से वर्षा लेना है? यहाँ किससे बात कर रहे हैं? किसमें जोड़ना है? प्रजापिता से जोड़ना है, शिव बाबा से जोड़ना है? शिव बाबा साकार में आकर के सर्व संबंध जोड़वाता है। संबंध कहा ही सब जाता है जब समान बंधन हो। क्या संबंध जोड़ने वाला भी साकार शरीरधारी हो और जिससे संबंध जोड़ा जा रहा है वो भी साकार शरीरधारी हो, तभी संबंध का सम माने समान, बंधन माने बंधन, समान बंधन। सम माने संपूर्ण, बंधन माने बंधन, संपूर्ण बंधन, चाहे जिस रूप में हो। तो जो भी संबंध जोड़ने हैं वो कौन सी आत्मा के साथ? फिर वो तो स्त्री और पुरुष चोला का जन्म होने की बात ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही जन्म लेता है साकार में। शिव बाप से संबंध जोड़ेंगे साकार जन्म तो होगा ना बाबा? वो तीसरा जन्म लेता है? अरे नहीं नहीं, क्यों अभी क्या बोला? एनपी जन्म नंबर वन है।
अच्छा एक बात सुनो, ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद, जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, ब्रह्मा के मुख की वाणी को फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, जो पवित्र बनते हैं उनकी बुद्धि कंफ्यूज होती है, या जो अपवित्र बनते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा कंफ्यूज होती है? जय श्री राम। अब गलतियां तो सबसे होती है, मनुष्य का काम ही है भूलों का पुतला बनना। लेकिन बाप कहते हैं तुम मनुष्य ब्राह्मण जन्म का जन्म लिए है, इसलिए गलतियां तो करते हो, लेकिन एक वो ब्राह्मण है जो अपनी गलती को छुपाए लेते हैं, और एक ब्राह्मण है जो अपनी गलती को छुपाते नहीं, लिख के फटाफट दे देते हैं। ज्यादा कंफ्यूज कौन होंगे? आगे चल के कंफ्यूज नहीं होंगे? आगे चल के देंगे तो आगे कंफ्यूज नहीं होंगे? अभी जो लिख करके देते हैं वो अभी कंफ्यूज नहीं होंगे? गड्ढे से निकाल करके ऊपर परम नाम में ले जाते हैं, चोटी पे ले जाते हैं। उनका कहना है जो साकार, आप उनके कहने को ज्यादा समझते हैं। भाई बंद है क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। उनका कहना है जो साकार के लिए है बनता है, बट ऐसे कहता तो क्यों होता ही नहीं? तो संबंध तो अपने संगम पर जोड़ना है, तो फिर उन संगम की ऐसे जन्मों के हिसाब से यहाँ जो संबंध जोड़ते हैं वो शिव के साथ, जिनकी बुद्धि में रहता है हमने शिव के साथ संबंध जोड़ा, वो आत्माएं पवित्र बनेंगी जन्म जन्मांतर के लिए या अपवित्र बनेंगी? पवित्र बनेंगी ना। और जो सबसे जाति पवित्र बनने वालों की लिस्ट में होगा वो औरों के संबंध में आवेगा क्या? जैसे विजयमाला की हेड एवर प्योर के साथ एक संबंध जोड़ करके पक्का रखती है, औरों के साथ विचार में, दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा में नहीं आती है, तो अनेक जन्मों तक उसका जो संबंध जुड़ेगा और एक के साथ जुड़ेगा वो राजा के रूप में जुड़ेगा या रानी के रूप में जुड़ेगा? रानी के रूप में जुड़ेगा। वो भगवान और वो जन्म जन्मांतर के लिए भक्त। तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, वो तो पवित्र रहने वालों की दृष्टि है, और जो भारत के राजा हैं उनकी कैसी दृष्टि है? तो विकासी दृष्टि वाले हैं। अब पता नहीं कौन कौन से धर्म में जाके गिरने वाले हैं। हाँ जो सर्व संबंध सर्व आत्माओं के साथ खोल करके सबको छूट दे रहा है, उसकी शूटिंग एक के साथ होगी या अनेकों के साथ होगी? नहीं, जिसमें प्रवेश करता है उसके लिए लागू होता है। वो ऊपर वाला कुछ नहीं लेता है, ना लेता है न देता है। ये तो जिनके साथ संबंध जुड़ते हैं उस एवर प्योर के साथ, उनके बुद्धियोग की बात है। तो जो बच्चे एक के साथ सर्व संबंध जोड़ने वाले हैं उनमें रुद्रमाला के मणके भी है और विजयमाला के भी मणके होंगे। ज्यादा प्रश्नों की झड़ी रुद्रमाला के मणकों की बुद्धि में आवेगी या विजयमाला के मणकों की बुद्धि में आवेगी? क्यों? उसमें भी रुद्रमाला में भी जो असल सूर्यवंशी होंगे उनकी बुद्धि में विरोधाभास के संकल्प ज्यादा आएंगे, या जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले और धर्मों के छिलके वाले होंगे उनकी बुद्धि में ज्यादा प्रश्न आवेंगे? और धर्मों में जाने वाले होंगे तो प्रश्नों की जड़ी भी लगेगी ज्यादा।
तो अंतर स्पष्ट हो गया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। वो सुप्रीम सोल सेवर, वो तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन लेने वाले नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। और तो बाबा ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई में प्रश्न नहीं होगा क्या? पढ़ने वाले एक हैं या अनेक हैं? अगर ये नियम हो कि पढ़ाई है तो प्रश्न पैदा जरूर होना चाहिए, तो सबके प्रश्न पैदा होने चाहिए या कोई कोई के ही पैदा होना चाहिए? सबके होना चाहिए। बाबा ने प्रश्न पढ़ाई है और ये नियम हो कि पढ़ाई है तो प्रश्न सबके अंदर आना चाहिए। भेड़ बकरियों के अंदर क्या प्रश्न आएगा? भेड़ बकरियों में प्रश्न नहीं आएगा। भेड़ बकरियां मैं ट्रां ट्रां करती रहेंगी, क्योंकि समझती नहीं है। जो एक बार में समझे सो देवता, जो बार बार कहने से समझे तो मनुष्य, और बार बार समझने और समझाने पर भी और कहने पर भी न समझे सो गधा। नौ रूप में प्रश्न का जवाब मिलता, कौन सा सही बोल के? बुद्धि जल्दी ना, बुद्धि का ताला आपको खुला है। खुल गया? आप ही बोले ना, बुद्धि का चाबी खुल गया। अगर खुल गया तो प्रश्न खत्म। अर्जुन ने प्रश्न कब तक किए? जब तक अर्जुन की बुद्धि का ताला बंद तब तक अर्जुन प्रश्न करता है, और बुद्धि का ताला खुल गया तो प्रश्न खत्म। जो करोगे जो कहोगे सो करेंगे, करिश्चे वचनम तव। जिनके मन में प्रश्न नहीं उठता है, जिनके मन में प्रश्न नहीं उठता है तो निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चिंत, कोई भी प्रकार की उनको चिंता पैदा नहीं होगी। चिंता होती है। और जो निश्चिंत होते हैं वो प्रश्नचित्त होते हैं या प्रसन्न चित्त होते हैं? प्रसन्न चित्त होंगे तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होगा। नहीं होता बाबा, सीढ़ी उतरने के बाद प्रश्न चालू होता है। तो उतर रहे होंगे, प्रश्न आता है माने सीढ़ी उतर रहे हैं, और प्रश्न नहीं आता है करिष्ये वचनम तव। पाना था जो ज्ञान पाना था तो पा लिया, अब हमें कुछ नहीं पाना। बकरियां ऐसे बोलती है निश्चय बुद्धि पूर्वक, हमको अंदर मिलते है प्रश्न का समाधान पूछा है। छोटे बच्चे जैसा गर्मा बेबी बुद्धि है ना, हमारे बुद्धि बेबी है। अच्छा, इसलिए जवाब पूछ रहे हैं। जवाब पूछना गलत है क्या? जवाब पूछा नहीं जाता, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नहीं, प्रश्न पूछना दूसरे जन्म में जाना है क्या? हाँ, हम नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं, यहाँ तो कहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने वाले इस सभा में होते हैं और ज्यादा से ज्यादा धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, उनको भी कन्वर्ट करके सूर्यवंशी बना के छोड़ना है। क्या? सूर्यवंशी बना के छोड़ना है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो और धर्म में कन्वर्ट होकर के चले जाएं और उनके जन्म कम हो जाए। नहीं, जो भी बीज हैं, चाहे मोटा छिलका चढ़ा हुआ हो, चाहे छिलकों की ज्यादा परतें चढ़ी हुई हो, लेकिन उनको 84 जन्म बीजों को जरूर लेना है। इस लिस्ट में लाना है। इसलिए ये तो सवाल ही नहीं होता कि प्रश्न पूछना बंद कर दो। यहां प्रश्न उत्तर की झड़ी नहीं लगेगी, पाठ और प्रत्यकाट, सवाल और जवाब नहीं होगा, प्रहार और आहार नहीं होगा, तो फिर वहां युद्ध कैसे होंगे? यहां सूक्ष्म में युद्ध होता है और वहां स्थूल में युद्ध होता है। यहां है सूक्ष्म ज्ञान की मारकाट और वहां होगी तीर तलवारों की मारकाट।
यहाँ का सुदर्शन चक्र है, असुरों के गले काटता है, गले कृष्ण कायने से निकलते हैं, गले में से कृष्ण निकलते हैं, और जितना देर अभिमान होगा उतना ज्यादा प्रश्न निकलेंगे। और प्रश्न चित्त पैदा करने वाली, प्रवेश करने वाली आत्माएं होती हैं, जो आत्म की स्थिति नहीं धारण कर पाते उनमें दूसरी आत्माओं का प्रवेश होता है। जो पक्की आत्म की स्थिति वाली सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनमें कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर एक को फॉलो करने वाले बने हैं। मुंडी हिलाने वाले हैं जी, मुंडी हिलाने वाले, हाँ मुंडी जो हिलाने वाले होते हैं वो भी भगवान को अपना भगवान मानने वाले होते हैं ना, है ना, होते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो वो शूटिंग कहाँ होती है, वो भी असली शूटिंग कहाँ होती है, यही ब्राह्मणों की दुनिया में कोई पक्के भक्त होते हैं, वो कभी कन्वर्ट नहीं होते। हम क्या जरूर कन्वर्ट होंगे आप थोड़ी नहीं रहना मुझे। जो बिल्कुल नहीं, क्यों छोड़ने का क्या सवाल, मैं धर्म में क्या, जो भक्त होते हैं वो अनेक प्रकार के भक्त होते हैं या एक प्रकार के भक्त होते हैं, नौ दहा भक्ति कही जाती है, तो धर्म भी नौ प्रकार के हैं। आगे जाके बंद करेंगे हम भी आदमी का जॉब बंद करेंगे। अंदर अगर कचरा भरा हुआ हो और कचरे को बाहर न निकाला जाए तो पेट फटेगा या रह जाएगा, पेट फट जाएगा। आत्म की स्थिति बनती ही तब है जब हम भगवान बाप की एक्यूरेट मत पर चले। अगर औरों की सुनते रहते हैं तो देवभान बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। ये तो जब प्रत्यक्ष होते हैं पार्ट, और जब माला में नंबर प्रत्यक्ष होते हैं तब ही सबका पता चलता है कि 63 जन्मों में कौन कितने कन्वर्ट होकर के रहे हैं और कौन कितने एक के ऊपर आस्था रख करके चले हैं। आज से अंत तक राम और कृष्ण को फॉलो करने वाले बहुत थोड़े हैं, बाकी सारे ही देवताएं कन्वर्ट होने वाले हैं। कन्वर्ट होने वालों की लिस्ट ज्यादा है या अपने धर्म पर पक्के होने वालों की लिस्ट ज्यादा है? स्वधर्मे निधनम से या पर धर्मो भयावह। सौ सौ चूहे खाए बिलैया हज को चली। बिल्ली जो है उसके लिए कहावत बनाई है कि सौ चूहे खा लिए, सौ चूहों की हत्या कर ली, और वो हत्या करने के बाद वो माया बिल्ली भगवान के पास भगवान से मिलने के लिए हज को जा रही है। ये कहावत कहाँ से पड़ती है? हैं? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये कहावत ऐसे सिद्ध होती है। जो माला के 100 मणके हैं उनको माया अपने कंट्रोल में कर लेती है, उनकी हत्या कर देती है, या 108 के मणकों में जो 8 मणके उनकी हत्या कर पाती है, 100 की हत्या कर लेती है। वो 100 चूहे हैं जिनके ऊपर दे अभिमानी साहबजादे गणेश जी सवारी करते हैं। गणेश जी की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? चूहों के ऊपर। तो मैं बड़ा चूहा हूँ, ज्यादा मांस होगा
तो कहेंगे बड़ा चूहा, और सिंकिया पहलवान होगा तो कहेंगे छोटा चूहा। उसके अंदर संस्कार व्यभिचार के हैं या अव्यभिचार के संस्कार हैं? तो जिसके अंदर संगमुख में अव्यभिचार के संस्कार पड़े हैं, वो चाहे स्त्री का जन्म ले और चाहे पुरुष का जन्म ले, वो अव्यभिचारी राजा दुर्गादास का पाठ बजाएगा या व्यभिचारी राजा का पाठ बजाएगा? है अव्यभिचारी पार्टी बजाएगा, अच्छा राजा बनेगा। और राजा बनने की तो बात ही नहीं, विजयमाला में विजयमाला के मण के जन्म जन्मांतर रानी बनने के स्वभाव वाले हैं, आधीन होकर के रहने वाले स्वभाव वाले हैं, या राजा बनने के स्वाधीन स्वभाव वाले हैं? आधीन तो रहना है, लेकिन ऊंच से ऊंच के आधीन रहना है, ऐसे स्वभाव वाले। राजा बनने की तो बात ही नहीं है, राजाओं को ज्यादा कष्ट होता है। द्वापर कलयुगी द्वैत आदि दुनिया में या रानियों को ज्यादा कष्ट होता है? राजाओं को ज्यादा मार काट झेलनी पड़ती है। बाबा रानियों को ज्यादा कष्ट भी होती है ना? नहीं होता है। 9 महीने बच्चे को पाल दिया हो, बच्चे पाले छह महीने, वो एक बात अलग। वो तो कोई भी नहीं ऐसा होता है जिसको 9 महीने ना पालना पड़े, चाहे रुद्रमाला का मणका हो और चाहे विजयमाला का मणका हो। बाबा कहते हैं रुद्रमाला के मणके आपके बुद्धि लगाए हुए हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, तो बुद्धिमान बाप के बच्चे जो हैं, ये तो हो सकता है कि अनेकों की बुद्धियों से प्रभावित होकर के विचारी बुद्धि वाले बन जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो बुद्धि को चलाए ही नहीं। बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं तो बुद्धि तो जरूर चलाएंगे, कोई एक से बुद्धि का वरदान लेने वाले हैं और कोई अनेकों से बुद्धि का वरदान लेने वाले हैं। जो एक से बुद्धि का वरदान लेने वाले हैं, उनकी पहचान क्या होगी? उनकी पहचान होगी वो एक से ही सुनेंगे। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में वो ब्राह्मण जो एक से ही वरदान लेने वाले हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नहीं है, वो सारे ब्राह्मण जीवन में बुद्धि का पांव एक नाव में रखेंगे, अनिश्चय बुद्धि होकर औरों से ज्ञान नहीं सुनेंगे। क्योंकि मुरली में बोला है, अगर औरों से भी सुन करके धारण किया तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। विविचारी ज्ञान होगा तो प्राप्ति भी विविचारी हो जाएगी। मुरली का एक भी पॉइंट करना, हर पॉइंट पर विचार कर मंथन करना है, ठीक है? कोई टेप रिकॉर्डर कैसेट से किसी भी से कोई प्रश्न का हल नहीं निकलता, ठीक है? साकार में आता है, प्रैक्टिकल में आता है, तो पूछिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्लियर कर लेना, ठीक है? सब पूछे तो प्रश्न तो पैदा होता ही है, विचार सागर मंथन सबको को नहीं प्रश्न पैदा होता है। विचार सागर मंथन करे तो अपनी बात को सबके ऊपर लागू नहीं कर देना चाहिए। हाँ, ये कहेंगे कि कोई प्रश्न चित्त ज्यादा बनते हैं और कोई प्रसन्न चित्त ज्यादा बनते हैं। प्रसन्न चित्त ज्यादा बनते हैं, इससे साबित होता है कि ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में रह करके जब उन्होंने पाठ बजाया है तो अनेकों अनेकों की बातें भी सुनी है। एक की बात सुनकर के संतुष्ट नहीं हुए हैं,
और रामायण में दीपा से है, राम ने अपने सीता को अग्निदेव के पास रखा और सोने के सीता को रावण ने चुरा लिया। अभी भी उनको है सोने को सीता को रावण ने चुरा लिया। और जो अभी तो छोटी माता है छोटी गोल है नैनोपुर में है बने कैंडा या अफ्रीका का बहुत वहाँ जो लक्ष्मी छोटी माँ है उनको सोने की कहेंगे या अच्छी कहेंगे मतलब जब तक अपने नारायण के पास सोना और पावक रंग तो एक ही जैसा होता है लगभग सोना जड़ तो में होता है सोना क्या है जड़ तत्व है ना और अग्नि अग्नि जड़ तो में ही होते हुए भी चैतन्य दिखाई देती है दोनों ही सीताएं एक सीता योग अग्नि रूपी पावक में निवास करती है क्या तुम पावक में करो निवासा कब लगी करो निशाचर नासा असली सीता को कहा तुम योग अग्नि में निवास करो क्योंकि तुमने दिव्य दृष्टि से पहचान लिया है कि भगवान का असली रूप ये है ज्ञान की दृष्टि से नहीं पहचाना भले तो तुम पावक में करो निवासा पावक माना ज्ञान अग्नि योग अग्नि योग की अग्नि में निवास करो और जो नंबर दो की गीता सीता है उसको रावण ले जाता है नहीं तो सच्ची सीता के तन को रावण हाथ भी नहीं लगा सकता और शंकर की आत्मा को माया का आवरण लगता है बोलते मुरली में शंकर की आत्मा को माया का आवरण लगता है जिसको माया का आवरण लगा हुआ होगा उसको बाप को याद करने की दरकार है या जिसको आवरण ही नहीं होगा उसको बाप को याद करने की दरकार है दरकार ही नहीं और शंकर को हमेशा याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता है याद में बैठा है माना शंकर का अर्थ ही है मिस्र क्या उसमें जो सदैव सत्य है सदा शिव है वो भी प्रवेश है जो सदा असत्य है क्या पहले जन्म से ही असत्य उसमें प्रवेश हो जाता है कृष्ण का जन्म लिया कृष्ण वाली आत्मा के अंदर दृष्टि की पावर से शक्ति को जन्म देने की पावर है या वाइब्रेशन की पावर है तो ये है वाइब्रेशन जहां से निकलता है वाइब्रेशन और दृष्टि है नीचे ज्यादा ऊंची पावर दृष्टि है वाइब्रेशन है या दृष्टि है वाइब्रेशन ऊंचा है तो कृष्ण की आत्मा थोड़ी नीचे स्टेज वाली और कृष्ण को जन्म देने वाला ऊंचे पे ऊंचे है इसलिए अंतर पड़ जाता है और महाभारत के अर्जुन अपने अटल अश्विनी सेना को भेजकर अपने पिता महाओं को भाइयों को भेजकर कहा मैं सबको मारकर मुझे राज्य नहीं चाहिए मुझे राजा ही चाहिए ये बात 37 की बात है या दोबारा जन्म लेकर आता है बाबा ने व्यक्ति 20 नवम्बर 1937 की बात है ज्ञान कब मिलता है 76 में राम बाप से ज्ञान मिलता है प्रैक्टिकल में या 36 में पूरा ज्ञान मिलता है
अधूरा ज्ञान कब कहेंगे और पूरा ज्ञान कब कहेंगे? 36 में भी मुरली चलाते थे, पीयू की वाणी प्रसिद्ध है, 36 में भी प्रवेश किया था, गीता के अर्थ व्यक्त करते थे, जिस गीता की 108 टीकाएं निकल चुकी है और हरेक टीका ने, हरेक धर्म की फॉलोअर ने उस गीता के अपने तरीके से अर्थ करके दिखा दिए। वो अर्थ करने वाले सब झूठे, और यहां तो सच्चा है, तो जो सच्चा है वो गीता के अर्थ अपने प्रकार के सत्य करके नहीं समझा सकता है? जिस गीता की व्याख्या झूठे लोगों ने 108 प्रकार से अपने तरीके से करके दिखा दी, उस गीता की व्याख्या भगवान आवेगा तो अपने तरीके से करके नहीं दिखा सकता। यज्ञ के आदि में भी क्या सुनाते थे? वही गीता के श्लोक सुनाते थे और उनका अर्थ बैठ समझाते थे, लेकिन उस समय पूरा ज्ञान नहीं था इसलिए छोड़ के चले गए। और अभी अभी तो पूरा ज्ञान है, आज में भी गीता के अर्थ सुनाते थे तो अंत में भी उसी गीता के अर्थ फिर सुना देंगे, लेकिन अंतर क्या पड़ जाएगा? अंतर एक बात का पड़ेगा, उस समय भी बुद्धियों में बैठा हुआ था गीता का भगवान कृष्ण, और जो फॉलो करने वाले थे ज्यादातर बचे थे वो सारे ही कृष्ण के फॉलोअर थे, और अब अभी ये बात प्रत्यक्ष होने वाली है कि गीता का भगवान साकार में कृष्ण नहीं, गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला, देह को धारण न करने वाला, देहधारी नहीं है, निराधार पुरुषार्थ करने वाला है, देह में आसक्त होने वाला नहीं है। ये अंतर पड़ जाएगा, सिर्फ एक बात का अंतर। भक्ति मार्ग में गीता का भगवान कौन कौन बुद्धि में आता था, और अभी गीता का भगवान कौन वो बुद्धि में आएगा, बाकी गीता सारी वही रहेगी। तो बाबा नाम लेने के बाद गीता का भगवान बोले बात कर रहे तो है, गीता का भगवान बोले बात, हाँ जी पहले होगा कौन ज्ञान लेने के बाद होगा पहले होगा? बिना ज्ञान के गति होती है क्या? बिना ज्ञान के बुद्धि गतिमान बनेगी? फिर भले कितने भी साक्षात्कार होते रहे, ब्रह्मा को साक्षात्कार हो गए, क्या बुद्धि गतिमान बनी? ऐसे ही विजयमाला की हेड को कितने ही साक्षात्कार होते रहे खुशी आवेगी, लेकिन लेकिन सदा काल की वो खुशी ज्ञान से ही आवेगी। तो बाबा गीता का भगवान कृष्ण भोलेनाथ अभी से शुरू करते थे, आप समय लेंगे है? गीता का भगवान कृष्ण भोलेनाथ है कौन से ईयर से हम चालू करना? जब से प्रत्यक्षता हो जाए, जब से चंद्रमा संपूर्ण हो जाए, चंद्रमा संपूर्ण होगा, पूर्णिमा की रात्रि होगी, संपूर्ण चंद्रमा अस्त होगा और सूर्य उदय होगा, एक तरफ वो अस्त होगा दूसरी तरफ वो उदय होगा। वो बाप बेवकूफ है कि बच्चे का कल्याण किए बगैर अपना कल्याण कर ले, वो बाप बाप नहीं है कि बच्चा काम की अग्नि में जलता रहे और अपने को सेफ कर ले, कोई ऐसा बाप होता है? असल में जो बाप होगा वो बच्चा घर में आग लगे हुए घर में जल रहा है और खुद निकल करके भाग जाए, वो असली बाप है क्या? तो बाबा संतोष पालन बोले ना, हाँ जी प्रत्यक्ष नहीं करता है जो हम बोलते नहीं करता ना, हाँ?
हाँ बोलो आगे बोलो ना। क्या होगा भगवान करने से तो कहता है क्या मेरे अंदर भगवान आ जाते नहीं भगवान आवेगा तो ये कहेगा मैं भगवान हूँ कहेगा फिर बच्चों को पहला बाप पहले बच्चों को प्रतिष्ठित करता बच्चे बाप को प्रतिष्ठित करेंगे कौन सा पहला पहला जो ज्यादा ताकतवर होगा तो पहले करेगा बाप है। हाँ तो वो बाप बाप अगर सर्वशक्तिवान है ज्यादा पावरफुल है तो पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा या बच्चे बाप को प्रत्यक्ष कर लेंगे जो पावरफुल है वो पहले करेगा। हाँ तो अभी 70 साल हो गए बच्चे अगर पावरफुल होते तो अभी तक 70 सालों में कुछ किया होता ना कुछ कर पाए क्या नहीं कर पाए।